डिप्रेशन का इलाज कितने देर तक करना चाहिए, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। डिप्रेशन मेनली दो प्रकार के, एक न्यूरोटिक डिप्रेशन हम बोलते हैं, एक दूसरा एंडोजेनस डिप्रेशन बोलते हैं। न्यूरोटिक डिप्रेशन मतलब जो वातावरण में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव ऐसा आ गया, उसके वजह से डिप्रेशन हो गया। और दूसरा एंडोजेनस डिप्रेशन है कि जो कोई कुछ कारण नहीं और वैसे ही चालू हो गया। एंडोजेनस डिप्रेशन जो है वो मेनली केमिकल लोचे से होता है, जो फील गुड हार्मोन से, उसमें डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन्स, इनकी लेवल कम हो जाती है और जिनके वजह से डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन में यदि केमिकल लोचा है, केमिकल इम्बेलेंस है, डेफिनेटली आप दवाई दे दो, डेफिनेटली फायदा पड़ेगा, डेफिनेट दवाई है। एंटी डिप्रेशेंट्स आप योग्य मात्रा में, बराबर मात्रा में देते हो आप, तो डिप्रेशन 14 से लेके 21 दिन में ठीक हो जाएगा। तो वो फिर एक बार ठीक हो गया, जैसा भी आप एमिप्रामिन देते हो, क्लोमिप्रामिन देते हो, एमिट्रिप्टिलिन है, फिर वेनलाफेक्सिन है, डेसवेनलाफेक्सिन है, मिरेटाजाफिन, फ्लॉक्सिटिन है, सरेट्रालिन है, एसिटालोप्राम है, जो भी आप देते हो वो दवाइयाँ पूरी मात्रा में देना जरूरी है। पूरी मात्रा मतलब इनफ डोज। होता क्या है कि शुरुआत में पेशेंट जब आता है, हमने उसको समझो ज़्यादा डोज दे दिया। ज़्यादा डोज मतलब जितना जल्दी अच्छा होने के लिए जितना देना चाहिए उतना डोज दे दिया, तो क्या होता है कि दवाई से कभी कभी पेशेंट को इतनी नींद आती है कि दूसरे दिन पेशेंट दवाई बंद कर देता है। इसलिए हमको पहले लो डोज में चालू करना पड़ता है, एकदम कम से कम मात्रा, और धीरे 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 बढ़ाना पड़ता है डोज। 14 से 21 दिन में यदि आपको यदि ऑप्टिमम डोज मतलब दे सकते हैं आप उसको, या डॉक्टर दे सकता है, वो ले सकता है, तो डेफिनेटली 14 से 21 दिन में बहुत फायदा हो जाएगा। मगर होता क्या है कि जैसा फायदा होने लगा, लोगों को वो सलाहकार रहते हैं और वो सलाहकार होलसेल में घूमते रहते हैं लोगों के आसपास। वो बोलते हैं कि अभी तो ठीक हो गया, अभी दवा बंद कर दे, उसको भी लगता है साइड इफेक्ट हो रहा है, यहाँ तो बंद कर देना चाहिए, और बंद कर देता है, महीने भर के बाद में फिर बीमारी उलटती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि एक बार दवाई चालू कर दिया तो उसको 6 से 9 महीना दवाई लेने की है। अच्छा होने के बाद में भी 6 से 9 महीने आप दवाई लेते हैं तो चांसेस ये है कि फिर से दवाई लेने का काम पड़ेगा नहीं। तो फिर क्या होता है कि बार 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 डिप्रेशन के अटैक आते जाएंगे, बार बार दवाई लेनी पड़ेगी और आपको प्रॉब्लम होगा। तो डिप्रेशन की दवाई कितने दिन लेना चाहिए? 6 से 9 महीने। और उसके साथ साथ आप मूड स्टेबिलाइजर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लाइक वेलप्रोइक एसिड है, सोडियम वेलप्रोइड है, क्योंकि वो लेते हैं तो कभी आगे मैनिक फेज आने वाली होंगी तो वो आएंगी नहीं और मूड स्टेबिलाइज रहेगा। यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।